at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my controls. Zip line to your timeline. Hey, my body don't lie. तो जनाब कुछ साइंस को फॉलो करते करते हम कहीं निकल आए हैं। अब हम खुले आसमान के नीचे हैं, बट कहीं और आ गए हैं हम। ये हमारा लंच है। ये मेरा चिकन सैलेड है और ये उसामा का मिक्स शुरमा है। Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. And welcome back to our channel. Guess करें हम कहाँ पे हैं? अभी बड़े शहर में। हाँ, इस वक्त है downtown Toronto में और हम जाने लगे हैं अपनी first destination पे। बाकी की डिटेल्स आपको और वीडियोस में मिलेंगी, बट इस वक्त हम जाने लगे हैं CN Tower के लिए और हमारी अपॉइंटमेंट है 11 बजे की और हम लेट हो रहे हैं, इसलिए हम अभी भागेंगे और आपसे मिलते हैं वहाँ पर। Guys, we have almost reached CN Tower और हम बिल्कुल अभी 10 मिनट रहते हैं 11 बजने में। और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी सिटी में जब आप देखने जाते हैं एज अ टूरिस्ट सिटी के अट्रैक्शन वगैरह को, तो बंदे की ये कोशिश होती है कि ज़रा ज़रा चीज़ें देख सके। तो इस केस में इवन तो हमने गाड़ी रेंट की हुई है, लेकिन हमने उसको पार्क छोड़ा और हम लोग ऑन फुट आए और ट्रेन पे आए। उसकी दो रीजन थी, एक तो डाउन टाउन में यहाँ पे पार्किंग का इशू है, इजीली नहीं मिलती और जब मिलती है तो एक्सपेंसिव होती है, और दूसरा ये कि आप ऑन फुट हमेशा ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो मैं भी दोबारा से यही डिस्कस कर रहा था कि जब हमने कहीं दूर जाना हुआ जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगा के ज़्यादा हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो वहाँ पर हम लोग गाड़ी नहीं जाएंगे। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बस, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करें। यस, और सेकेंडली जैसे हमने अगर डिनर करने जाना है या लंच के लिए कहीं जाना है, फिर बंदा गाड़ी लेकर जाता है क्योंकि उस पर टाइम ज़ाया करने की कोई तुक नहीं बनती है। बट इस तरह से हम एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं टोरंटो को। सो लेट्स गो। तो जनाब वो रहा CN Tower और वो देखें वो कोई खिड़कियां साफ कर रहे हैं। जनाब, आई हैव अ रेंट। हमने 11 बजे की टिकटें कराई थी, और टिकटें कराने का मतलब है कि जब आप आएंगे तो उन्होंने उतने ही लोगों को बुक करने की इजाज़त दी हो जितनी उनके पास कैपेसिटी है, और जब लोग आएँ तो उनको उनके रास्ते जाने दिया जाए। नहीं तो फिर टिकट कराने का और रिजर्वेशन का मकसद क्या बन जाता है अगर आपने फिर भी ठहर जाए इतनी ही लंबी लाइन में खड़ा होना। तो दिस शुड बी फिक्स्ड। हर बंदे की टाइम की कीमत होती है। जब वो बंदा आपसे हफ्ता पहले, महीना पहले अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है तो रिस्पेक्ट दैट अपॉइंटमेंट। इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हो रहा है, इतनी लंबी लाइनें हैं, तो इट नीड्स टू बी करेक्टेड, या फिर अपना रिजर्वेशन का सिस्टम ख़त्म कर दें और इट्स शुड बी प्योर केयर्स लाइक एवरीवेयर एल्स। जब आपने अपनी एक डेढ़ इंच की मस्जिद ज़्यादा बनानी है कि नहीं जी, हमें तो अपॉइंटमेंट के बगैर हमने किसी को एडमिट ही नहीं करना,
तो फिर एट द वेरी लीस्ट रिस्पेक्ट देयर टाइम, दैट्स ऑल। एक सादे से बंदे की सादी सी ख्वाहिश। सो गाइस, सीन ये है कि जब CN Tower आने का प्लान बना था तो आई वॉज नॉट श्योर वट टू एक्सपेक्ट ऑफ CN Tower, क्योंकि आई वॉज लाइक कि हम सिर्फ टावर को देख रहे होंगे, इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, जस्ट अनदर काइंड ऑफ अ बिल्डिंग, तो आई डोंट नो इसमें क्या चार्म है, बट आफ्टर कमिंग हियर आई एम लाइक वाओ, दिस शुडन बी मिस्ड। यहाँ से आके ऊपर से व्यू इतना प्यारा है नीचे सिटी का कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, लाइक इट It's very mesmerizing, बहुत बहुत प्यारा। अगर बाकी दिन के हमारे कोई प्लान्स ना होते तो I would have loved to sit here, खिड़की के पास सुकून से बंदा बैठ जाए और इर्द गिर्द देखता रहे, अगर एक नज़ारे से थक जाए तो बंदा राउंड लेके दूसरे किनारे पे चला जाए, बट हर तरफ से यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ व्यू एंड एवरी व्यू इज़ रियली रियली प्रिटी। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ से हमें आधे टावर के बाद पानी नज़र आने लगेगा, बट इट वॉज़ जस्ट अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। इसके अलावा यहाँ पर दो लेवल्स थे, आई डोंट रिमेंबर कि क्या नाम थे दोनों लेवल्स के, बट दिस वॉज अ लोअर लेवल। इसके बाद एक बहुत ऊपर करके जो CN Tower के बिल्कुल टॉप पे एक लेवल था, वहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर यहाँ से ऐसा व्यू था तो वहाँ से कितना प्यारा लगता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके था। उसके लिए सिर्फ एक सेट टाइम्स थे जहाँ जिन टाइम से आप जाके उस लेवल से व्यू देख सकते थे, क्योंकि हमारे आगे के प्लान्स थे तो वो हमारे टाइम के साथ फिट नहीं हो रहा था, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सके। बट इफ़ यू डिसाइड टू गो टू CN Tower, डू ट्राई दैट आउट। उसामा अपना फेवरेट काम करते हुए सो गाइज, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द CN Tower वॉज द एक्वेरियम। सिंस दोनों जो हैं वो साथ साथ ही थे तो इट मेड सेंस कि हम दोनों को एक साथ विजिट करते। ऑल्सो वी बोथ लव एक्वेरियम, क्योंकि आपको बहुत सारी फिश देखने को मिलती है एंड अ ह्यूज वराइटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है ये, लाइक पानी के सारे जानवर जो है ना डिफरेंट तरह के होते हैं, इतने क्यूट क्यूट होते हैं, कुछ बहुत स्केरी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है ये सारा कुछ देखने में, इसलिए हम एक्वेरियम जो है वो ज़रूर विज़िट करते हैं। फॉर सम पीपल इट माइट बी बोरिंग, बट फॉर अस इट्स अ गुड टाइम पास। सो ये एक्वेरियम बहुत बड़ा था, बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर, और हमें बहुत मज़ा आया है सारे टाइम के दौरान। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे लेकिन इट वॉज वर्थ इट। Too bad I've been sticking out your mind. Too bad I can have a rocket from your head. I'm not
ticket at night. Done this before you father. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have him all crying. Calling me sweetie, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give him the cinema, I go. Cause you a bad man, if she don't love money. She break hearts real fast like Conman. Wanna swim down to the deep end. Don't you know all my secrets, honestly. Can you keep it real, cause honestly I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy, I can see it in your eyes. I've been running around, too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it, how you taking all my time. Left, right, can you take it all the night? Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it, how you taking all my time. Left, right, can you take it all the night? Take it. Scared to take it, oh. And maybe when I take it, oh, I feel it coming down too strong. Cause I want ya, and it's hard to resist. Cause I need ya, and it's hard, baby, yeah. Cause I believe ya, hold me tight, pulling on tonight. Holding a cup up, I'm gonna get to you clean and proper. We are moving, we can love her. You gonna be on your mind forever. Thanks, baby, turn it down, make it sweet and ready. Go slow, keep it nice and steady. Know that you've been keeping patience. Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it, how you taking off. Hello guys. Hazrat. अब अपडेट ये है कि हम एक्वेरियम से भी हो लिए हैं और हम सी एन टॉवर से भी हो लिए हैं और दोनों एक्सपीरियंसेस अपनी अपनी जगह अच्छे थे, बहुत मज़े के थे। सेंट टावर वाला अच्छा नहीं था, बहुत इंतज़ार कराया उन्होंने अपॉइंटमेंट के बावजूद। हाँ, वाकई वो बहुत इंतज़ार कराया। अब थोड़े बादल आ गए हैं तो मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया। बहुत गर्मी हो रही थी, मतलब बंदा यकीन नहीं कर सकता कि कैनेडा में इतनी गर्मी हो सकती है। सो वेल, अब हम थक गए हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ कि अब हम खाने का सोच रहे हैं। नहीं, पेट पूजा कर ली जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि आसपास हम डाउनटाउन में, तो होपफुली इजीली मिल जाएगा। यस, सो मुझे ना वहाँ पे एक पिक्चर बनवानी है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ओ नहीं नज़र आ रहा, यू कैन नॉट सी दैट, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे कैनेडा लिखा हुआ है, मुझे उसके ऊपर पिक्चर बनवानी है। 2 किलोमीटर दूर है। हेलो गाइस, सो वी आर इन पीटर ग्रिल राइट नाउ। हमने अभी अपना लंच ऑर्डर किया है। उसामा ने लैम्प प्लेटर ऑर्डर किया है, मैंने चिकन प्लेटर ऑर्डर किया एज ऑलवेज। सो प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मली शर्मा से ज़्यादा हैं, बट वील सी कि कैसा है। ओके, सो गाइस, हमारा खाना आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। सो क्या क्या ख्याल है आपका? लेट मी टेस्ट। सो गाइस, खाना खाने के बाद इट वॉज ऑलरेडी लाइक वी वर ऑलरेडी डन फॉर द डे। हम थक चुके थे और इसके बाद हमारे आगे के कोई प्लान्स थे भी नहीं। सो वी जस्ट हेडेड होम। ऑन द वे होम हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी बिकॉज वी हैड टू लाइक गेट समथिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, और दैट वॉज ऑल फॉर द डे। वी हैड अ लॉट ऑफ फन थ्रू आउट द डे। बहुत बहुत मज़ा आया था दोनों जगहों पर। वी रियली इन्जॉयड आवर टाइम। और आगे के लिए देखते रहिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस। स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक सून। When I swim down to the deep end, don't you know all my secrets on